बदतमीज नहीं भाई बच्चों देखो ये जो सांप है इसका नाम है चेकर्ड सिल्वर और ये बहुत कटकरा सांप है। तुम्हारा कहना सच रहा है मेरे ऊपर। देखो ये है चेकर्ड सिल्वर सांप, पानी का सांप जिसे बोलते हैं, और ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये 7 फीट तक लंबा हो जाता है, समझ रहे हो। और ये नालियों में रास्तों पर ही देखने को मिलेगा आपको। गलती से अगर घर में घुस जाए तभी आप जो है कॉल करें, नहीं तो अगर नाली में घूम रहा है, रोड पर घूम रहा है, कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई खतरा नहीं है, मेरा खाता है। घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो फिलहाल ड्रामा है ना, फिलहाल ड्रामा है। बिल्कुल जहरीला नहीं है ये, काट ले, कहीं जाने की जरूरत ना, साबुन से हाथ धो, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, अगर यही काटे तब। वो रेड स्नेक था, कोई प्रॉब्लम ना, वो भी ग्राजर वाला प्रॉब्लम तो कई साल में ना है, आदमी में प्रॉब्लम है भाई। इनके घरों में तुमने घर बनाया है या ये तुम्हारे घर में घुस रहा है भाई? किसके घर में किसके कौन घुस रहा है ये सोचो भाई। हम इनके घरों में घुस रहे हैं या ये हमारे घरों में घुस रहा है ये सोचो भाई। खेतों में किसने बनाए घर? नहीं के तो घर थे पहले, एक आदि आ जाए बेचारा, तुम परेशान जाओ, तुम घुस रहे हो इनके घरों में, तब कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब अगर नाली में रोड पे अगर ऐसा सांप दिखाई दे तो फोन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोबरा सांप काट ले, तुरंत मेडिकल जाओ, कोई टाइमिंग नहीं है। पूरी घड़ी को टाइम निश्चित करके ना काटा, वो नस में लग गया ना, एक घंटा नहीं मिला, अच्छा मांस में फंसा रह गया, होता है 2-3 घंटा में मिल जाए। ऐसा नहीं है कि तुम 2-3 घंटा इंतजार करो, तुरंत मेडिकल जाओ, झाड़ भूख के चक्कर में, झाड़ भूख वाले इन सांपों का इलाज कर रहे हैं, झूठे बेवकूफ बना रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, के बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, जिनमें इलाज की आवश्यकता ही नहीं है। जितने भी झाड़ भूख वाले सफेद हैं, भाई गिर हैं, तंत्र मंत्र वाले सब वो जिन सांपों में जहर नहीं है। और अगर कोई इलाज कर रहा है तो भैया हम कोबरा से कटवा रहे हैं, अपना इलाज कर ले।